नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु में ऐसे कौन सी बातें हैं जो घर के लेडीज़ के हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। अगर आप वो चीज़ें सुधार दोगे तो उसका अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा आपको घर के लेडीज़ के हेल्थ के लिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कहते हैं कि अगर वास्तु के नियम को अगर अच्छे से अपनाया जाए तो घर की औरतें जो है उनके ऊपर अच्छा असर देखने को मिलता है, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा टाइम घर के लेडीज स्पेंड करते हैं तो उनके ऊपर ये एनर्जी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। कई बार अनदेखी वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि वास्तु का असर सबसे पहले घर की महिलाओं पर देखने को मिलता है, इसलिए पहला सुख निरोगी काया के सूत्र का ध्यान रखते हुए आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा। कहते हैं कि घर में अगर कोई दीवार टूटी फूटी दरार वाली है, उसका प्लास्टर उखड़ गया है, आपकी जो वॉल है वॉल का प्लास्टर उखड़ गया है, उसमें दरारें आ रही है, उसमें पानी चला गया है दीवार में, ऐसा हुआ है तो ये एक वास्तु दोष है। इसको सबसे जल्दी से जल्दी आप ठीक करवा लीजिए। अगर ये दोष अग्नेय कोण में आता है तो ये लेडीज़ के हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट तो करेगा ही, और अग्नेय कोण में अगर दीवार में कीलापन रहता है तो ये ऑब्वियसली अच्छा नहीं है। तो घर में किधर भी अगर वॉल में ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप इसको ठीक करवा लीजिए। इससे मानसिक परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आपके किसी भी कमरे में, कौन सा भी कमरा लीजिए, उसके नीचे अंडरग्राउंड पानी का टैंक है, घर के साइड में है तो कोई परेशानी नहीं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक मोस्टली हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ये रीजन में अंडरग्राउंड वाटर टैंक लेते हैं। घर के बाहर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रूम के नीचे आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ रहा है या फिर बोरवेल या कुआ, कोई भी रूम में आ रहा है नीचे, ऐसा होता है कि रो हाउस है इधर है तो हमने इधर ही बना दिया है, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा होने से महिलाएं बहुत सीरियस तौर पर बीमार हो सकती है। कहीं पर भी अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक घर में आता है, गौर से सुनिए दोस्तों, ये घर के बाहर के टैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग घर फेस टू फेस बनाते हैं और घर के अंदर ही अंडरग्राउंड वाटर टैंक ले लेते हैं, तो इस वास्तु में घर की महिलाएं बहुत सीरियस तौर पर बीमार हो जाती है। तो ऐसा आपको गलती से भी नहीं करना है। अगर ऐसा है तो उसको तुरंत आपको हटाना है, आपको ओवरहेड वाटर टैंक बनाना है। आप अंडरग्राउंड या नीचे पानी के लिए बाहर कुछ टंकी लाकर रख दीजिए, लेकिन घर के अंदर ही आप अंडरग्राउंड कुछ मत बनाइए, वाटर टैंक वगैरह। अगर उत्तर ईशान्य ऊंचा हो जाए, इस नैऋत्य के कंपेयर में अगर आपका जो ईशान्य कोना है ये अगर ऊंचा हो जाए और नैऋत्य नीचे हो जाए तो भी ये महिलाओं के हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। उनको स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, मतलब नींद नहीं आना, अनिद्रा, इसके रिलेटेड ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अज्ञात भय या जो है कि छोटी छोटी बीमारियां चालू रहना, ये भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उत्तर ईशान्य और ये जो है नैऋत्य कोना, वायव्य कोना, ये वायव्य ईशान्य और अग्नेय, इन सब से नैऋत्य ऊंचा होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो लेडीज हेल्थ रिलेटेड जो चीज़ें हमने देखी है, नॉर्थ ईस्ट ऊंचा नहीं होना चाहिए, घर की जो दीवारें हैं उनमें गीलापन नहीं होना चाहिए, और आपका अग्नि तत्व बैलेंस होना चाहिए हेल्थ के लिए, और घर के अंदर ही अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं चाहिए। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है तो लेडीज़ को हेल्थ के रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।